मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए काफी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। शनिवार को सैलानियों का हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो रविवार तक भी जारी रहा। इसके अलावा यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज भी लोगों को काफी आकर्षित कर रही हैं। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में भयंकर गर्मी से बचने के लिए पर्यटक शिमला के साथ लगते पर्यटन स्थल कुफरी पहुंचे हैं। यहाँ उन्हें गर्मी से तो राहत मिली ही है, साथ ही वो यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज का भी भरपूर आनंद उठा रहे हैं। Had a great experience over here. I visit there first time with my family members also. We are having a kid also. We are having adventure places also here, and we have a lot of fun there. Such like a heaven. It's a true heaven on the earth. मेरी सबसे यही recommend करती हूँ कि एक बार life में कुफरी जरूर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार शाम से लेकर रविवार दोपहर तक 8,200 पर्यटक शिमला में दाखिल हुए हैं। ये एडवेंचर एक्टिविटीज इन पर्यटकों को हिल स्टेशन की तरफ आकर्षित कर रही हैं। कुफरी में एडवेंचर स्काई और स्नो पार्क पसंदीदा पर्यटन स्थलों के रूप में उभरा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।